भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है, जो अंतिम सांस तक आजादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर झुलाया गया तो पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर दौड़ गई। फांसी के तख्ते पर चढ़कर पहले तो तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और फिर अपने ही हाथों से उसे फंदे को सहर्ष गले में डाल दिया। यह देखकर जेल के वार्डन ने कहा था, इन युवकों के दिमाग बिगड़े हुए हैं, ये पागल है। तब सुखदेव ने उसे यह गीत सुनाया, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे है। इसी के साथ तीनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। ये तीनों क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे। तभी तो फांसी लगने से कुछ क्षण पहले तक भगत सिंह एक मार्क्सवादी पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे एवं राजगुरु वेद मंत्रों का गान गा रहे थे। जीवन की मस्ती इन्हें डीएवी कॉलेज लाहौर में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के स्नातक जयचंद्र विद्यालंकार के विचारों से प्राप्त हुई थी। ये तीनों नौजवान भारत सभा के सक्रिय सदस्य तथा हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा एक थी। राजगुरु ने वाराणसी में विद्यायन करने के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं रहते हुए धर्मग्रंथ तथा वेदों का अध्ययन किया था, साथ साथ लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे क्लिष्ट ग्रंथ का अध्ययन किया। कौमुदी इन्हें पूर्ण रूप से कंठस्थ थी और ये छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बहुत प्रशंसक थे। इसी प्रकार सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत हो गई थी, उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। इस 23 मार्च के दिन उन तीनों महान व्यक्ति की सभी भारतवर्ष में उन्हें याद किया जाता है। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों को विदर्भ न्यूज की ओर से शतशः नमन। आज 23 मार्च आपल्या भारताला स्वतंत्र मिळून देण्यात जो मुलाचा वाटा आणि तरुणांना तत्कालीन परिस्थितीत जागृत करणं आणि देशाबद्दल अत्यंत निष्ठा, प्रेम आणि आत्मीयता जागृत करणारं असं नेतृत्व त्या परिस्थितीत निर्माण करणारे शहीद आजम भगत सिंग यांनी तरुणांना प्रेरणा मिळावी व या देशाला अबाधित स्वातंत्र्य मिळावं, सर्वांच्या अधिकारावर स्वतंत्र असलं पाहिजे अशा प्रकारचं नेतृत्व तत्कालीन परिस्थितीत शहीद भगत सिंग यांनी निर्माण केलं होतं आणि आपल्या आहुतीने या देशाला स्वातंत्र्याचा एक दिवस उजाडेल असा एक मोठा प्रदीर्घ विचार घेऊन शहीद भगत सिंग त्यांचे सवंगडी, त्यांचे स्नेही हसत हसत देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात फासावर चढले आणि तो दिवस म्हणजे 23 मार्च 1931। त्या दिवसापासून भारताच्या इतिहासात एक नवा आलेख लिहिला गेला की स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी जर आपला जीव अर्पण जरी करावा लागला तर आपण हसत हसत आपल्या जीवाची आहुती देणं हे भगतसिंग आणि या देशाच्या या देशाला क्रांतिकारी विचार देणारं भगतसिंगांचं नेतृत्व आज त्यांना स्मरून, त्यांच्या स्मृतीला स्मरण करून, त्यांच्या
आचरण करण्याचा थोडाफार का होईना आज तरुण पिढी आकलन करत असेल आणि विचार करत असेल अशा प्रकारचे एक आशा बाळगतो आणि शहीद आजम भगत सिंग यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो. विदर्भ न्यूज ब्युरो अमरावती.